आइए दोस्तों, आज हम पाइथन नंपाई अरे में स्लाइसिंग फंक्शन का यूज करना देखते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम अपनी नंपाई को इंपोर्ट करा लेते हैं। और हमारी नंपाई इंपोर्ट हो चुकी है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक अरे बना लेते हैं, 2D अरे जो 10x10 की होगी। देखिए बनाते हैं कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंपाई डॉट एरेंज। एरेंज में हम देंगे दोस्तों 1 से लेके 101 तक नंबर, क्योंकि हमें 10x10 की बनानी है। और इस यहाँ पे फिर डॉट लिखेंगे और रीशेप लिखेंगे, और यहाँ पे ब्राउन ब्रैकेट के अंदर हम फिर 10,10 लिख देंगे। और अपने इस पूरी कमांड को हम वेरिएबल में एमएक्स में वेरिएबल में साइन करेंगे और इसको प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमें एक 10x10 की 2D अरे दे देता है। देखिए, ये हमारे पास एक 10x10 की 2D अरे आ गई है दोस्तों, जिसमें 10 रो हैं और 10 कॉलम है। यानी कि रो ये होगी 10 और कॉलम ये होगी 10। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो 1 है ये 0 इंडेक्स पर है, यानी कि 0 कॉलम 0 रो पर। अगर हम यही इंडेक्स वैल्यू नीचे क्वारी में लिखते हैं तो ये हमें 1 रिटर्न करता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, अगर हमने एमएक्स यानी कि जो हमारा वेरिएबल है और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि जो हमारी लिस्ट है उसमें 0,0 पास किया हमने, ये इंडेक्स वैल्यू है, और इसको जब रन करेंगे तो ये हमें 1 देगा। देखो दोस्तों, 1 दे दिया। और इसी तरह मान लीजिए हमें ये हमारी कौन सी रो है दोस्तों, ये हमारी फोर्थ कॉलम है। फोर्थ कॉलम में और रो कौन सी, 5 ले लेते हैं, ये री फिफ्थ रो। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा। अगर हम ये 45 वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है तो हम कैसे ढूंढते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे इसकी, यानी कि फिफ्थ रो 4 कॉलम। और इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये हमें इनने 55 दिया, यानी कि हमने क्या डाला था, फिफ्थ रो 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ रो और फोर्थ कॉलम 1, 2, 3, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 55 ही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इस तरह से निकाल सकते हैं। ये इंडेक्स वैल्यू होती है दोस्तों, जिससे किसी भी नंबर को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम 0 रो और 0 कॉलम का डायमेंशन पता करना चाहें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा के एनडीम लिखता हूँ दोस्तों। अब इसको रन करते हैं हम, तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ 0 मिलेगा क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है दोस्तों, ये जो एक यहाँ पे 1 वैल्यू है ये एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमें पूरी रो निकालनी हो, मान लीजिए हमें 0 पे जो रो है यानी कि हमारी ये रो हमें अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा सिंटैक्स रहेगा एमएक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लगाएंगे और इसको रन करेंगे। तो देखिए, इसने हमारी पहली रो दे दी है जिसका इंडेक्स 0 है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमें जो मिली है वो सिंगल रो मिली है और ऑल कॉलम मिले हैं, जो कि हमारे सारे कॉलम है। चलिए मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये सिंगल रो मिली है हमें एक, ठीक है, ये वाला ही, यहां से ये एक सिंगल रो है। और ये जो देख रहे हैं ना आप कॉलम, ये कॉलम है, ये 1, 2, 3, 4, 5 जहां पर ये लिखे हुए हैं ये कॉलम की तरह काउंट होते हैं दोस्तों, ये कॉलम है हमें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाले में हमने सिंगल रो निकाली थी और ऑल कॉलम निकाले थे। ठीक है, अब हम नीचे यहाँ पे हम निकालेंगे सिंगल कॉलम और ऑल रो। मैं बता देता हूं आपको, देखिए सिंगल कॉलम यानी कि ये वाला और ऑल रो ये वाली, ये यानी कि 1, 11, 21, 31, 41, 5, 51, 61, 71, 81, 91, ये पूरा डाटा चाहिए हमें। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना वेरिएबल लिखेंगे mx और राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में फिर हम ये लगाएंगे, कोलन लगाएंगे दोस्तों, ना इसके आगे कोई वैल्यू देंगे ना ही कोई पीछे वैल्यू देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए पहला कॉलम
ठीक है। अब इसको रन करेंगे और पहला कॉलम चाहिए और ऑल रो चाहिए। तो इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए इसने हमें 31 ये वाला डाटा हमें दे दिया है दोस्तों। ये वाला देखिए, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इनने दे दिया है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोलन होता है, ये स्लाइसर ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। और अब देखिए हमने इसे, ये जो हमने अरे निकाला है दोस्तों, इसको हमने निकाला है 1D अरे में। अगर हमें ये 2D अरे में चाहिए तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो उसको लिखेंगे MX स्क्वायर ब्रैकेट कोलन लगाएंगे, जो कि हमारा स्लाइसर ऑपरेटर है। कोलन के आगे और पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, कोई डिजिट कोई नंबर नहीं देंगे, एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 0, क्योंकि हमें 0 इंडेक्स से निकालना है, यानी कि 0 इंडेक्स से यहां से हमें 2D अरे बनाना है, और 0 ही चाहिए और 0 ही चाहिए। तो 0 के लिए हमने क्या बताया था, अगर आपको 2 बनाने हैं तो हम 3 लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। तो 0:1, इससे क्या होएगा दोस्तों, इसको रन करते हैं तो देखिए ये हमें 2D बना के देता है, 2D अरे बना के देता है। देखिए इसने 2D अरे बना दिया, यहाँ पे ये 1D अरे में है दोस्तों। उसकी पहचान आप इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट 1 है 1 से कर सकते हैं, यहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 2D अरे है दोस्तों। इससे इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसका वो चेक करना है कि ये क्या है, 1D है, 2D है, 3D है, तो हमारे पास सिंटैक्स है, उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं दोस्तों। देखिए MX स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोमा 0:1, ये वाला पूरा ही मैंने कॉपी करा यहाँ पे, और फिर हमने डॉट लगाया, फिर एंडिम लिखा है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये 2D है, 1D है या 3D है। तो देखिए ये रन करते हैं, देखिए इसने बता दिया ये 2D है। मैंने बताया था आपको दोस्तों, ये कॉलम 2 कॉलम स्क्वायर कॉलम दिखा रहा है, तो ये 2D है, ये याद रखना दोस्तों। अगर यहाँ 3 होंगे तो 3D होएगा, अगर 1 होएगा तो देखो ये 1D अरे है। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं इनको, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपने अरे को ले आते हैं जो हमने ऊपर बनाया था। देखिए हमारा अरे आ गया है। अब इसमें एक कंडीशन लगाएंगे दोस्तों, मैं कॉपी पेस्ट कर रखी है वैल्यू, मैंने इसको डाल दिया है। मैं समझा देता हूं मैंने क्या लिखा है, MX लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने यहाँ पे 1 दिया है, यानी कि 1 रो से, यानी कि यहाँ से, ठीक है, 4 रो तक, यानी कि 4 रो तक मतलब है, यानी कि हमारी 3 रो तक, यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक सर्च करेगा। ये जो पहला वाला है कोमा से पहले वाला, ये रो को दर्शाता है, और ये कोमा के बाद वाला कॉलम को दर्शाता है। तो यानी कि 1 कॉलम से 3 कॉलम तक, यानी कि 1 कॉलम ये हमारा, 2nd कॉलम ये हमारा, और तीसरा कॉलम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर हमें कोई पार्टिकुलर नंबर तक अरे बनानी है, जैसे 1 से 100 तक बनानी है, तो हम लास्ट वाला जो नंबर है 101 लेते हैं, उस तरह से ले रखे हैं ये नंबर 4 और 3, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये हमें क्या देगा, देखते हैं दोस्तों। वे हमें ये देगा वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूं, तो देखिए ये हमें देगा 12 देगा, 22 देगा, 32 देगा, और 13 देगा, 23 देगा, और 33 देगा। चलिए देखते हैं ये हमें देता नहीं देता है। देखिए दोस्तों, इसने ये हमें 2D में दिया है, ठीक है दोस्तों, और हमने 2D में ही निकाला है इसको, ठीक है दोस्तों। आप ऊपर भी मैच करा सकते हैं दोस्तों, देखिए ये रहा, यहाँ से वैल्यू मैच करा सकते हैं, 12, 13, 22, 23 और 32, 33। तो देखिए 12, 13, 22, 23, 32, 33, तो हमारा डेटा मैच हो गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें 1st कॉलम और 3rd कॉलम 2D में चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे उनको, तो हमारा सिंटैक्स है दोस्तों, MX स्क्वायर ब्रैकेट कोलन लगाया, फिर एक कॉमा लगा दिया, ये स्लाइसर वाला कोलन होता है जिसे स्लाइसर ऑपरेटर भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 से हमें कॉलम चाहिए और 2 भी चाहिए, यानी कि 1 और 2 कॉलम चाहिए, इसलिए हम 3 लिखेंगे, क्योंकि एक ज्यादा लिखना पड़ता है दोस्तों। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए ये हमें क्या देगा, तो इसने 2D में इसने हमें दोस्तों हमारे दोनों कॉलम दे दिए जो हमें चाहिए थे, यानी कि 1 और 2, ये दोनों कॉलम इसने निकाल के दे दिए हमें, ठीक है दोस्तों।
अगर दोस्तों आप स्क्वायर ब्रैकेट में खाली कोलन पास करके इसको रन करा दें तो देखिए क्या मिलेगा। हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल दिया है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर खाली हमने कोलन दिया है, तो देखिए इसको रन करते हैं तो ये क्या देता है, तो ये हमें पूरा हमारा अरे दे देता है जो हमने ऊपर बनाया है, जिसको हमने स्टोर करा रखा है MX में। और अगर डबल कोलन लगाते हैं तो क्या देता है, तब भी ये हमें अपना अरे देगा। अगर डबल कॉलम के बीच में हम कॉलम देते हैं तब भी ये हमें हमारा अरे ही देगा। देखिए दोस्तों इसने तीनों पे ही हमें हमारा अरे दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमें ये जानना है कि हमारा ये जो डेटा है, ये जो अरे है, इसने कितनी जगह ली है, कितने जगह में स्टोर हुआ है, कितनी बाइट में हुआ है, तो इसके लिए हमारा सिंटैक्स है दोस्तों, पहले अपना वेरिएबल लेंगे mx.itemSize, तो इसको अब रन कराएंगे तो देखिए कितना आया 4। इनने 4 बाइट लिए दोस्तों, ये जो डेटा है हमारा 4 बाइट में स्टोर हुआ है जाके। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको अपने अरे का डेटा टाइप देखना है तो उसके लिए लिखेंगे दोस्तों अपने अरे का वेरिएबल लिखेंगे mx.dtype लिखेंगे और इसको रन कराएंगे तो देखिए इसने हमें क्या दिया, डेट टाइप इसने दिया है इंटीजर और 32 बीट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों यही है, जो हमारी अरे में वैल्यू है वो इंटीजर में है और ये जो 32 दिया है ये 32 बीट है, ये इसका दोस्तों फॉर्मेट है जिसे जिसमें इसने स्टोर किया है, या इसका मतलब होता है यानी कि दोस्तों 4 बाइट। अच्छा, आपको 4 बाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप देखिए 32 को जब आप भाग करेंगे 8 से तो हमारे पास 4 बाइट ही आएगा। देखिए दोस्तों आ गया, नहीं आ गया, और ये हमने पहले भी निकाला था कि इसका कितने में इसे सेव करा, वो 4 बाइट हमने पहले भी निकाल लिया था। तो इंटीजर हमारा इंटीजर यानी कि न्यूमेरिकल नंबर को दर्शा रहा है और 32 बीट इसके फॉर्मेट को दर्शा रहा है, इसने इसे किसमें स्टोर किया है वो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारा जो 1 बाइट होता है वो इज इक्वल टू होता है 8 बिट के, इसलिए हमने 8 बिट से इसको 32 को भाग दिया क्योंकि 32 बाइट है ना। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों।